नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, राहुल गांधी के आवास पर यह बैठक चल रही है। केसी वेणुगोपाल मीटिंग में मौजूद हैं। अजय माकन और हरीश चौधरी भी इस दौरान मौजूद हैं। इससे पहले भूपेश बघेल ने राहुल से मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर लंबी मंत्रणा हुई। तो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए मुद्दे पर भूपेश बघेल से बातचीत हुई, मंत्रणा हुई। तो वहीं पंजाब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अभी चल रही है। राहुल गांधी के आवास पर यह बैठक चल रही है। केसी वेणुगोपाल मीटिंग में मौजूद हैं। वहीं अजय माकन और हरीश चौधरी भी इस दौरान मौजूद हैं। आपको बता दें, ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक तो चल ही रही है, लेकिन उससे पहले भूपेश बघेल ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की थी और दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा भी हुई थी। छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों को लेकर लंबी मंत्रणा हुई थी, क्योंकि अब पंजाब में चुनाव आने हैं, तो इसको लेकर तमाम जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। और इसीलिए पंजाब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार चल रही है। राहुल गांधी के आवास पर यह बैठक चल रही है। क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या समीकरण होने चाहिए, कैसे मजबूत और कांग्रेस को करना है, किस तरह से मजबूत संगठन हो सकता है, सत्ता मजबूत हो सकती है, कैसे वापस सत्ता में आना है, तमाम चीजों को लेकर यह बैठक चल रही है। और इस बैठक में केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं। इस मीटिंग में केसी वेणुगोपाल हैं, अजय माकन हैं, हरीश चौधरी मौजूद हैं। वहीं इससे पहले भूपेश बघेल से भी राहुल की मुलाकात हुई थी और दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा भी हुई थी। क्योंकि आपको बता दें, कल पत्र भी मुख्यमंत्री ने लिखा था सोनिया गांधी को, और ये पत्र था कोल को लेके। हालांकि इसका जवाब भी आया कि कुछ कारण है, प्राकृतिक कारण, जिन वजह से कोल आपको नहीं दे सकते, लेकिन अभी बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की। अब राजनीतिक नियुक्तियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 29 दिसंबर से पहले कभी भी नियुक्तियां हो सकती है। प्रभारी अजय माकन करेंगे एक दो वर्चुअल बैठकें और बैठक के बाद आखिरी तारीख पर मोहर लग जाएगी और फिर कभी भी निकल सकती है नियुक्तियों की पहली लिस्ट, जिस सूची पर अभी तक आम सहमति बन चुकी है। 29 दिसंबर से पहले जारी होगी आम सहमति वाली ये लिस्ट। करीब 2 दर्जन नामों पर आला कमान से मिल चुकी है मंजूरी। संगठन निष्ठ नेताओं को सियासी नियुक्तियों में मिल सकती है पहली जगह। एक आरएस का मधुशाला प्रेम, कुछ समय पूर्व साहब मधुशालाओं वाले महकमे से विदा हो गए, लेकिन अभी भी रहते ठेकेदारों के संपर्क में। दरअसल साहब का पिछले साल की आबकारी नीति में अहम रोल रहा और आबकारी कमिश्नर ने इस साल के लिए भी जो सुझाव कमिटियां बनाई उनमें भी साहब का नाम शामिल था। अब भी साहब मिलने वालों से कहते हैं कि कमेटियों में तो मैं ही रहूंगा। आखिरकार ठेकेदारों को ये झांसा दे क्या हासिल करना चाहते हैं साहब? तो मधुशालाओं के प्रति एक आरएस ऑफिसर का आरएस का प्रेम नजर आ रहा है। कुछ समय पूर्व साहब मधुशाला वालों महकमे से विदा हो गए थे। मधुशाला वाला महकमा जो है वहां से वो विदा हुए, लेकिन अभी भी ठेकेदारों के संपर्क में रहते हैं। दरअसल साहब का पिछले साल की आबकारी नीति में अहम रोल था और आबकारी कमिश्नर ने इस साल के लिए भी सुझाव कमेटियां बनाई और उनमें भी शामिल था साहब का नाम। अब भी साहब मिलने वालों से कहते हैं कि कमेटियों में तो मैं ही रहूंगा। आखिर ठेकेदारों को ये झांसा देकर क्या हासिल करना चाहते हैं साहब? ड्रग कंट्रोल में खत्म हुआ राजा राम शर्मा का एकाधिकार। करीब 3 साल से ड्रग कंट्रोल में सर्वे सर्वा थे राजा राम शर्मा, लेकिन अटकी डीपीसी के अब फाइनल होने के बदले समीकरण। लंबे समय बाद औषधि नियंत्रक संगठन में हुए 2 ड्रग कंट्रोलर। राजा राम शर्मा के अलावा अजय फाटक को बनाया गया औषधि नियंत्रक, लेकिन विभाग में इन दोनों अधिकारियों के बीच का विवाद जग जाहिर है। और ऐसे में डीपीसी के बाद विभाग में फिर से शुरू हुआ चर्चाओं का दौर। चर्चा ये कि नए बदलाव के बाद अब दोनों में से कौन होगा पावरफुल। तो क्योंकि बदलाव हुए हैं, अब बदलाव के बाद बहुत सारी चर्चाएं भी हो रही हैं। ड्रग कंट्रोल में राजा राम शर्मा का एकाधिकार खत्म हो गया है। करीब 3 साल से ड्रग कंट्रोल में सर्वे सर्वा थे राजा राम शर्मा, लेकिन अटकी डीपीसी के अब फाइनल होने के बदले समीकरण बदले हैं। लंबे समय बाद औषधि नियंत्रक संगठन में हुए 2 ड्रग कंट्रोलर। राजा राम शर्मा के अलावा अजय फाटक को बनाया गया है औषधि नियंत्रक,
लेकिन विभाग में इन दोनों अधिकारियों के बीच का विवाद जग जाहिर है। ऐसे में डीपीसी के बाद विभाग में फिर से शुरू हुआ है चर्चाओं का दौर, और चर्चा ये है कि नए बदलाव के बाद अब दोनों में से कौन पावरफुल ज्यादा होगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए महाअभियान 1 जनवरी से प्रदेश भर में शुरू होगा, युद्ध स्तर पर अभियान। अभियान को लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने लिखा है पत्र, और सभी जिला कलेक्टर्स को अभियान को सफल बनाने के लिए ये पत्र लिखा है। अभियान को लेकर जिला स्तरीय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। 31 मार्च 2022 तक संचालित अभियान को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। अभियान में न सिर्फ दूध, मावा, पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादों पर भी नजर रहेगी, बल्कि आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी, सूखे मावे, मसालों की भी जांच होगी। पहली बार बाट एवं माप की जांच को भी अभियान से जोड़ा गया है, ताकि उपभोक्ताओं को मिल सके सही तोल पर सही खाद्य सामग्री। तो उपभोक्ता जो है सही सामग्री पा सके और सही तोल पर पा सके, इसके लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए ये महाअभियान है। 1 जनवरी से प्रदेश भर में शुरू होगा युद्ध स्तर पर अभियान, और अभियान को लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने पत्र लिखा है। सभी जिला कलेक्टर्स को अभियान को सफल बनाने के लिए ये पत्र लिखा है। अभियान को लेकर जिला स्तरीय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। 31 मार्च 2022 तक संचालित अभियान को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी। अभियान में न सिर्फ दूध, मावा, पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादों पर नजर रहेगी, बल्कि आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी, सूखे मावे, मसालों की भी जांच होगी, और पहली बार बाट एवं माप की जांच को भी अभियान से जोड़ा गया है, ताकि उपभोक्ताओं को मिल सके सही तोल पर सही खाद्य सामग्री। रामगढ़ बांध के फिर फिरेंगे दिन। 4 दशक तक जयपुर की प्यास बुझाने वाले बांध को फिर भरने की तैयारी है। बीसलपुर के ओवरफ्लो पानी को 25 किलोमीटर रिवर्स लाकर भरा जाएगा रामगढ़ बांध। 1931 से 2010 तक रामगढ़ बांध से होती थी जयपुर को पानी की सप्लाई। बाण गंगा, रोड़ा नदी, अन्य नदियों और नहरों में हुआ अतिक्रमण और सूखा बांध। तो बांध के सूखने से सैकड़ों गांवों में खड़ा हो गया पेयजल का संकट। अब जलदाय विभाग तलाश रहा है कि बांध को बीसलपुर के पानी से भरने की संभावनाएं कितनी है। बीसलपुर बांध 4 साल में एक बार होता ओवरफ्लो और पानी बह जाता है चंबल में। पानी को रामगढ़ में पहुंचाने के लिए बंद गेट पंप हाउस को किया जाएगा इंटर कनेक्ट। बांध में पानी की आवक से आसपास के सैकड़ों गांवों में पानी की किल्लत दूर हो जाएगी, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने से खेती के लिए भी पानी मिल सकेगा। तो रामगढ़ बांध जो है वो एक बार फिर से भरेगा और लोगों को पानी, किसानों को खास तौर पर पानी मिल सकेगा। रामगढ़ बांध के फिर से दिन फिरने वाले। 4 दशक तक जयपुर की प्यास बुझाने वाले बांध को फिर से भरने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में मिला, राजस्थान हाईकोर्ट को एक और नया जस्टिस मिला है। जस्टिस वीरेंद्र कुमार का पटना से राजस्थान हाईकोर्ट तबादला हुआ है। जस्टिस कुमार का 23 मई 1963 को जन्म हुआ था। 1986 में पटना लॉ कॉलेज से उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद पटना सिविल कोर्ट और पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। विभिन्न सिविल और आपराधिक मामलों में प्रैक्टिस की। बिहार सुपीरियर न्यायिक सेवा परीक्षा में अपने बैच के टॉपर रहे जस्टिस कुमार। वर्ष 1997 में एडीजे के रूप में बिहार सुपीरियर न्यायिक सेवा में शामिल हो गए, और जस्टिस वीरेंद्र कुमार वर्ष 2011 से 14 तक रहे पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल। 16 नवंबर 2016 को पटना हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। तो राजस्थान हाईकोर्ट को एक नया जस्टिस मिला है। राजस्थान हाईकोर्ट में एक और जस्टिस, जस्टिस वीरेंद्र कुमार का पटना से राजस्थान हाईकोर्ट तबादला किया गया है। जस्टिस कुमार का 23 मई 1963 को जन्म हुआ था। 1986 में पटना लॉ कॉलेज से की एलएलबी की पढ़ाई पूरी, और उसके बाद पटना सिविल कोर्ट और पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। विभिन्न सिविल और आपराधिक मामलों में उन्होंने प्रैक्टिस की है।
बिहार सुपीरियर न्यायिक सेवा परीक्षा में अपने बैच के टॉपर रहे जस्टिस कुमार और वर्ष 1997 में एडीजे के रूप में बिहार सुपीरियर न्यायिक सेवा में वो शामिल हो गए। जस्टिस बीरेंद्र कुमार वर्ष 2011 से 2014 तक पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रहे और 16 नवंबर 2016 को पटना हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत उन्हें किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने सांभर सॉल्ट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट रोका। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की 4000 मेगावाट सोलर प्लांट की योजना, सांभर सॉल्ट लिमिटेड ने कंपनियों से आमंत्रित किए थे प्रस्ताव। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनियां हैं सांभर सॉल्ट लिमिटेड। 11 दिसंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी थी खबर, सोलर प्लांट लगाने से सांभर झील के पर्यावरण को खतरा। हाईकोर्ट ने खबर का संज्ञान लेते हुए प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी और सीजे अखिल कुरेशी और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने इस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सरकार को कहा टेंडर प्रक्रिया तो जारी रहे लेकिन अंतिम रूप देने पर रोक है, तो टेंडर प्रक्रिया तो जारी रख सकते हैं लेकिन अंतिम रूप देने पर रोक हाईकोर्ट ने लगाई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सांभर सॉल्ट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट रोक दिया है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की 4000 मेगावाट सोलर प्लांट की योजना, सांभर सॉल्ट लिमिटेड ने कंपनियों से आमंत्रित किए थे प्रस्ताव। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है सांभर सॉल्ट लिमिटेड। 11 दिसंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये छापी थी खबर और सोलर प्लांट लगने से सांभर झील के पर्यावरण को खतरा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया तो जारी रखें लेकिन अंतिम रूप देने पर रोक है। कल एक जाजम पर जुटेंगे देश प्रदेश के राजपूत छत्रप। श्री क्षत्रिय युवक संघ का कल जयपुर में हीरक जयंती समारोह, जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में ऐतिहासिक और विशाल आयोजन है। हीरक जयंती समारोह को लेकर राजपूत समाज में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान गुजरात एमपी यूपी से कुल 2500 बसों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। समारोह में करीब 7000 छोटे वाहन पहुंचने की बात भी की जा रही है। समारोह के लिए जैसलमेर बाड़मेर से तो करवाई गई एक ट्रेन बुक। राजपूत नेता पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ये जतन कर रहे हैं, लाखों की भीड़ जुटाकर राजपूत छत्रप सामाजिक एकता दिखाकर देना चाह रहे पॉलिटिकल संदेश। कांग्रेस से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ तो बीजेपी से गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ सक्रिय भूमिका में है। संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह, बेंडकियावास महावीर सिंह सरवड़ी संभाल रहे हैं फ्लोर मैनेजमेंट। श्री क्षत्रिय युवक संघ संरक्षक भगवान सिंह रोल साबसर की अगुवाई में ये आयोजन हो रहा है।